चलो चलो हरी अप। क्या नाम है आपका? जो भी है, कॉलेज से निकलने से पहले बस को चेक नहीं कर सकते थे? हाँ, बीच रास्ते में बस को चेंज करनी पड़ी। ठीक है ना मिश्रा जी, अरे अब रिफ्रेश होने का टाइम मिल गया ना, अब क्या है, चलिए 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 सर, चलो चलो कम ऑन। इस बात का हंगामा हो रहा है क्या? ये तो नकली छिपकली है। पर सवाल ये उठता है कि इस छिपकली को बस में लाया किसने? कौन लाया वो? किसने किया ये? मैंने पूछा किसने किया ये? देखो जिसने भी ये हरकत करी है ना, वो चुपचाप से मेरे सामने आ जाए, वरना मैं सबको। कौन है बोलो? ओ मैं क्या जी, किसे ढूंढ रहे हो हैं जी? ओ मैं तो आपके सामने हूँ हैं जी। ओ सुखी को, कहीं मुखिया को सुखी और गुड्डू के बारे में पता चल गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। सुखी की बाऊजी को। मास्टर जी, वो इसी तरफ से निकले थे मेले से, आप दिखाई नहीं दे रहे। ओ मास्टर जी, मास्टर जी। ओ की कर रहे हो जी हैं जी, पागल हो गई? मास्टर जी ने बुला रही थे, आपने बात करनी है तो उधर ही चले जाओ। कमाल है। किसे ढूंढ रहा है मेरे लाल? अपनी गुड्डो रानी को। क्या मां, तू भी ना? तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? तेरी आंखें साफ बता रही है तो अपनी गुड्डो को ढूंढ रहा है। उसका नाम सुनते ही तेरा चेहरा टमाटर भर के लाल हो गया। अच्छा एक बात बता, तेरी गुड्डू भी क्या तुझे उतना ही प्यार करती है? क्या कर रही है माँ? तेरा बस्से की हवाओं के भी कान होते हैं, और अगर यही हवाएं उड़ते उड़ते ऊंची हवेली पहुंच गई तो गुड्डू के भाइयों को मेरा और गुड्डू का पता चल गया तो पानी में रहना है तो
तो मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते आप। और वैसे भी मैं कोई प्यार व्यार थोड़ी करता हूँ गुड्डों से। मेरी नजर तो उसकी दौलत पे है, दौलत पे। तो मेरी नजर कौन सी उसकी सूरत पर रखी है? मेरी नजर भी उसकी दौलत पर है। मगर मैं तुझे समझाना चाह रही हूँ, तू ऐसा जादू चला कि गुड्डो तेरे इशारों पर नाचे। उसके बाद भूपिंदर सिंह की दौलत क्या, भूपिंदर सिंह मान खुद तेरे कदमों पर होगा। अगर मेरे पुत्र ने अपनी नजर गुड्डो पर लगाए रखी और गुड्डो के दिल में अपनी जगह बना ली, तो मेरे और मेरे पुत्र के सारे सपने, सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। लगा पुत्र लगा, तीर निशाने पे लगा, थां करके। क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? हाँ आइए बैठ जाइए। शुक्रिया। अश्क हजारों मेरे नैनों से बरसे, विच मिट्टी मिल जाए। चलो
को अपने चेहरे पर यूं ही उड़ने दीजिए। अच्छी लगती है, मेरा मतलब है आप ऐसे बहुत अच्छी लग रही है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मुझसे बिना पूछे मेरी पिक्चर्स निकाल रही थी। बैड मैनर्स। अरे जब पूरी कायनात की खूबसूरती आपके सामने हो तो सलीका किसे याद रहता है। लेने दीजिए ना, फोटोज देने दीजिए ना। पता है आपके चेहरे पर ये उड़ती हुई जुल्फे देख ऐसा लगता है जैसे खुली आसमान में पहले सावन की घटाएं छा रही हो। प्लीज हंसिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज, जस्ट एक फोटो प्लीज। आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? आपका टेंट तो उस तरफ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओहो, मैडम भी यहीं हैं। आपको देख के याद आया कि मिसेस शुक्ला आपको ढूंढ रही है। शायद उन्हें कोई जरूरी काम है आपसे। चलिए आपा चलिए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। इस बार तो बच गए, पर किस्मत बार बार साथ नहीं देती रणबीर। अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना। हाँ ठीक है, अब ज्यादा हिकड़ी मत दिखा। और सुन, इस रानू मैडम के पहुंचने से पहले कैंप के सारे टेंट्स बुक हो जाने चाहिए, समझ गया? हाँ हाँ समझ गया। चल। आप लोग ध्यान से सुनिए, टेंट नंबर 1 में यश, मयूर, जय, राजेंद्र, हाथ ऊपर करो। यस सर। वेरी गुड। टेंट नंबर 2 में खुशबू, नीलोफर, यस सर, और अहमद, सचिन, जाकिर टेंट नंबर 3 में जाएंगे। वेरी गुड। 4 में, सॉरी, सनी, यश, सागर और अभिषेक। यस सर। और टेंट नंबर 5 में मिसेस शुक्ला और मिस लुबना। और टेंट नंबर 6 रिंकी, पिंकी, मुन्नी। यस सर। और टेंट नंबर 7 में मिस्टर मिश्रा, यानी कि खुद मैं। मिश्रा जी, सब स्टूडेंट्स को टेंट अलॉट हो गए? जी हाँ, सारे स्टूडेंट्स को टेंट अलॉट हो गए हैं, बस आखिरी जो बचा था उसमें आपका नाम अलॉटेड है। मिश्रा जी प्लीज एक काम कीजिए, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, कोई स्टूडेंट रहना नहीं चाहिए। वैसे तो सारे टेंट स्टूडेंट्स को अलॉट हो गए हैं, बस आखिरी मिस रुखसाना बच गई हैं। और आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें अपने टेंट में रख लेता हूँ। जी मैं नहीं रहूंगी किसी पराए मर्द के साथ। अरे कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मोहतरमा, मुंह तो हम आपका वैसे भी नहीं देख रहे हैं, मेरा मतलब है कि आपने बुर्का जो पहना है। मिश्रा जी, आपको शर्म नहीं आती एक औरत के साथ इस तरह से बात की जाती है? आपने उन्हें लिफ्ट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे कुछ भी बोल सकते हैं। आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम, मेरा तो कहने का मतलब ये था कि मैं किसी स्टूडेंट्स के टेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा, एडजस्ट हो जाऊंगा, और मिस रुखसाना मेरा टेंट यूज कर लेंगी। आप इनकी भलाई के बारे में कह रहा था ना मैं, मतलब मैडम। मुझे आपकी किसी भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, जैसे तैसे इस जंगल में रात काट लूंगी। अरे क्या होगा, कोई शेर या चीता ही मुझे खा लेगा ना। ठीक है, मर जाने दो मुझे, वैसे भी तुम भी रह मर्जो की दुनिया में एक मजलूम औरत का पैदा होना किसी मौत से कम थोड़ी है। आप अपने आप को
लीजिए, आप चाहो तो मेरे साथ मेरे टेंट में रह सकती हो। नहीं, आप मेरे साथ में मेरे टेंट में रहिए। नहीं रुखसाना, तुम में से किसी के साथ टेंट शेयर नहीं करेगी। देखो जिस तरह तुम सारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी हम टीचर्स की है, वैसे ही रुखसाना की जिम्मेदारी हमारी है। रुखसाना मेरे साथ मेरे टेंट में रह लेगी, है ना रुखसाना? रुखसाना मेरे टेंट में रहेगी, ठीक है ना? देखिए देखिए देखिए, आप सभी इसी तरह जिद करेंगे तो रुखसाना आपा घबरा जाएंगी। मुझे लगता है ये फैसला रुखसाना आपा को करने दीजिए कि उन्होंने किसके साथ रहना है। रुखसाना आपा, आप बताइए आप किसके साथ रहना पसंद करेंगी? महफूज रहूंगी।